देखो अब हुई शुरू। ये भगत जी हैं, देखिए सफाई कर रहे हैं। शाम का समय है और ये पास से दिखाता हूँ, ये जो बड़ का पेड़ है ये पूरा बड़ का पेड़, ये जिसके के पत्ते जो हैं वो हवा के चलने पर हाँ गिरते रहते हैं और इतने इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा और इनकी दवाई बनाते हैं। ओहो तो इस तरह शाम के समय मंदिर की सफाई होती हुई। इधर और दिखाते हैं कितनी सफाई हमें यहाँ दिख रही है। इधर भी कुछ भक्त लोग जो हैं वो पानी वानी दे रहे हैं बगीची में। ये देखिए ये हर पेड़ के गहराई बना दी गई है हर पेड़ में, और इस तरीके से ये अब इनमें पानी दिया जा रहा है। ये पेड़ अनार का है और इस पर फूल भी आने लगे हैं। अब मैं पास से दिखाता हूँ, ये रहे पास से अनार। ये देखिए अनार अभी छोटे हैं, फिर बड़े भी होंगे। ये पानी देते हुए भक्त लोग। इधर अभी हम फूल और दिखाते हैं, इसके जो फूल हैं यहाँ पर अनार पर आ चुके हैं। और देखिए कितने सुंदर फूल, और पास से देखिए आ हा हा ये फूल कितने सुंदर फूल। और एक आधा जो अनार है वो शायद इस पर लग भी गया है, उसकी फ़ोटो भी आपको हम दिखाते हैं। नहीं इधर से पास से दिख जाएगा ना। ये रहा वो अनार जो कि अपनी फॉर्म ले चुका है और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। ऐसा ही एक अनार ये रहा, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सौभाग्य है हम आपको इसके दर्शन करा रहे हैं। और देखिए देखते रहिए मन भरेगा नहीं। सुंदर बगीची सुंदर दृश्य। ये पानी यहाँ चलता हो और अब देखते हैं भगत जी ने कितनी झाड़ू लगा दी है। ये सब कंप्लीट हो चुकी है झाड़ू शाम की। बहुत सुंदर, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं और अपने आप कार्य हो रहा है। बहुत सुंदर, भाई वाह बहुत सुंदर। लो हम मंदिर से बाहर जाते हुए, ये बाहर का दृश्य। हाँ और अब बाहर से अंदर को, अब अंदर आकर बाहर से बना ये इधर से बना रहे हैं। जय श्री राम।